नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विषय में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया कि किस प्रकार से आप सभी वेंडर को एक साथ बल्क कस्टमाइजेशन करके एक ही बिल से भुगतान कर सकते हैं, आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं किस प्रकार से आप किसी एक वेंडर को सिंगल पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि सिंगल वेंडर को किस प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं यदि आपने बल्क कस्टमाइजेशन नहीं किया हुआ है और आप केवल अलग अलग बिल के माध्यम से वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने जो PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको लॉगिन कर लेनी है। इस प्रकार से जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है, वहां आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेनी है। तो इस तरह से आईडी पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन कर लेनी है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद क्या करनी है, आपको स्क्रॉल करके नीचे को यानी यहाँ पर देखिए आपको लेफ्ट साइड में बहुत से आपको टैप्स दिखाई पड़ जाते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप वेंडर क्रिएट कर सकते हैं और वेंडर को मैप कर सकते हैं, तो उससे संबंधित जो वीडियो का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप सिंगल वेंडर्स को पेमेंट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले आपको इस नीचे यानी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है एक्सपेंडिचर, तो आपको एक्सपेंडिचर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सपेंडिचर पे क्लिक करते हैं तो वहां पे देखिए आपको शुरुआत में ही एड न्यू का टैब मिल जाता है, तो आपको एड न्यू सब मेनू पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही एड न्यू सब मेनू पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको स्कीम आपका पहले से सिलेक्टेड है, बैंक अकाउंट आपका पहले से सिलेक्टेड है। यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन आता है कि एक्सपेंडिचर डन फॉर, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेनी है वेंडर से या फिर बेनिफिशियरी। यदि आप विद्यार्थी को पेमेंट कर रहे हैं तो आपको बेनिफिशियरी का चयन करें, नहीं तो आपको वेंडर चयन करना है। तो चलिए हम यहाँ पे वेंडर से चयन कर लेते हैं। जैसे ही आप वेंडर से चयन करेंगे तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन आ गया आपको वेंडर्स नेम, तो यहाँ पे आपको वेंडर का नाम डाल के सर्च कर लेनी है। यहाँ पे या फिर यहाँ पे सिलेक्ट वेंडर दिया गया, इसको क्लिक करके आप वेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। जैसे ही आप सिलेक्ट वेंडर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी वेंडर को आपने मैप किया हुआ है उसकी लिस्टिंग आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ जाएगी। तो यहाँ से आपको जिस वेंडर को पेमेंट करना है उस वेंडर को आपको चयन कर लेनी। चलिए हम इसको चयन कर लेते हैं इस प्रकार से। जैसे ही आप वेंडर चयन करते हैं तो यहाँ पे वेंडर का आईडी और नाम आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया लेटर या फिर ऑफिस आर्डर नंबर, यहाँ पे आपको एसएमसी का जो प्रस्ताव क्रमांक है जिस दिनांक में आपने प्रस्ताव पारित किया हुआ है क्रय संबंधित, तो उस प्रस्ताव क्रमांक को यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है इस प्रकार से। चलिए हम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे आपको एसएमसी का जो क्रमांक है उसको दे देनी है इस प्रकार से। आप अपने अनुसार से भी वहां पर देख सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद अगला जो ऑप्शन दिया गया है आपको यहाँ पर अपलोडेड सेंसन लेटर, तो यहाँ पे आप यदि आप स्कैन करके पहले से रखे हुए तो यहाँ पर उस प्रस्ताव पंजी के जो लेटर्स है स्क्रीन कॉपी उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं, यह जरूरी नहीं है। उसके बाद दिया गया है अपलोडेड, यहाँ पर दिया गया है सेंसन डेट यानी जिस दिनांक को आपका एसएमसी का प्रस्ताव हुआ है उस दिनांक को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। तो चलिए यहाँ पे उस दिनांक को भी आपको फिलअप कर देनी है। एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट आपको पहले से फिलअप मिलेगा। उसके बाद देखिए जैसे भी नीचे स्क्रॉल करके आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको टोटल अवेलेबल अमाउंट आपके अकाउंट में कितने राशि वो आपको दिखाई पड़ेगा और संबंधित वेंडर को आप कितना भुगतान करना चाह रहे हैं उस राशि को यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। जैसे कि देखिए हम संबंधित वेंडर को इतना भुगतान करना चाह रहे हैं इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है नरेशन में, तो संबंधित वेंडर को आप किस पर्पज में भुगतान कर रहे हैं राशि का उसको यहाँ पे आपको उल्लेख करनी है इस प्रकार से। आप लिख सकते हैं मेंटेनेंस या फिर स्टेशनरी, जो भी आप मद में आप व्यय कर रहे हैं और उसको भुगतान कर रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जानी है। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको स्कीम कंपोनेंट डिटेल, स्कीम स्कीम्स कंपोनेंट यानी किस मद के भुगतान मतलब किस मद के तहत आप उस वेंडर को राशि भुगतान कर रहे हैं उस मद को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं एसएमसी, तो यहाँ पे देखिए एसएमसी आ चुका है इस प्रकार से, उसको आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस टाइप आपको बतानी है कि रिवेन्यू है कि कैपिटल है। रिवेन्यू यानी कि सामान या व्यय भुगतान के लिए आपको रिवेन्यू का चयन करना है या फिर भौतिक सामान की खरीदी या फिर मरम्मत के लिए आपको कैपिटल का चयन करना है, तो इस प्रकार से आपको एक्सपेंसेस टाइप चयन कर लेनी है। उसके बाद कितना अमाउंट आप इसमें से दे रहे हैं उसको आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो चलिए हम यहाँ पे एसएमसी का 2000 है तो यहाँ पे हम 2000 फिलअप कर देते हैं। उसके बाद देखिए इसको आपको ऐड पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका उक्त मद संबंधित वेंडर पे ऐड हो जाएगा। देखिए हम सिंगल वेंडर को किस प्रकार से
यहाँ पे देखिए हम केवल सिंगल वेंडर्स को पेमेंट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जो वेंडर है उसको हम दो तीन मद की राशि का भुगतान कर रहे हैं, इस नाम से हम यहाँ पे अलग अलग मद का और चयन कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देखिए छोटा अमाउंट लिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने SMC का ले लिया, उसके बाद हम इसको चाहते हैं कि मोबाइलेशन का भी हम इसको पेमेंट करना चाहते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम मोबाइलेशन का जो स्कीम कंपोनेंट है उसको भी हम यहाँ पे सर्च कर देते हैं। यदि यहाँ पे आपको लिखने के बाद नहीं आता है तो यहाँ पे आपको दिया गया है सेलेक्ट स्कीम कंपोनेंट, तो उस पर आपको क्लिक कर लेनी है इस प्रकार से। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपको ओपन दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ से आपको चयन कर लेनी है जिसके अंतर्गत वह कंपोनेंट है उसको इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको कंपोनेंट का चुनाव कर लेनी है जो भी आपका यहाँ पे कंपोनेंट दिया गया इस प्रकार से। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ से ये कंपोनेंट ले लिया इस प्रकार से, और इस मद में भी हम जितनी राशि है उसको यहाँ पे हम फिलअप कर लेते हैं इस प्रकार से, उसको फिर आपको ऐड कर लेनी है। तो इस प्रकार से आपको जितने मद की राशि का भुगतान आप उक्त वेंडर को देना चाह रहे हैं उतने मद का यहाँ पे आप चयन कर सकते हैं। चलिए हम चयन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने चार मद का इस वेंडर को पेमेंट करना चाहते, तो हमने यहाँ पे चार मद का चयन कर लिया है। अब मद का चयन करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए जितनी अमाउंट यहाँ पे हमको शो हो रही है इस प्रकार से, उसके बाद नीचे में ऑप्शन आपका आ जाता है सेव रिसेट या फिर बैक, तो आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। यदि यहाँ पे त्रुटि बस कुछ अदर मत चयन हो चुका है अन्य मत, तो यहाँ पे आप उसको इस डिब्बे पे चेक करके आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सेव कर देनी है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो उक्त जो आपकी एक्सपेंसेस राशि है वह सेव हो जाएगी। जैसे ही वह सेव हो जाएगी तो आपके सामने, तो जैसे ही आप सेव करते हैं आपके सामने वाउचर नंबर आ जाता है, उस नंबर को आपको नोट करके रख लेनी है। उसके बाद देखिए नीचे में आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है एक्सपेंडिचर डिटेल सेव सक्सेसफुली डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल, तो आपको यस पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है इस तरह से। अब उसके बाद देखिए इस तरह से आपके सामने पेज दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे पूरा एक स्कीम कंपोनेंट वगैरह सब आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद देखिए नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए वेंडर का अकाउंट नंबर आपको दिखाई पड़ जाएगा और वेंडर की आईडी आपको दिखाई पड़ जाएगी, उसके बाद वेंडर का नाम और कितना अमाउंट आप उसको पे कर रहे हैं सब जगह आपको दिखाई पड़ जाएगी। फिर दिया गया है इंस्ट्रूमेंट टाइप, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट टाइप में जैसे आप सेट करेंगे तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन चयन करना है ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, उसको चयन करने के बाद फिर आपको एड पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप एड पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन आ जाती है, स्क्रॉल करके आपको नीचे की ओर आ जानी है। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़े कि इस वेंडर को, यहाँ पे आपको देखिए वेंडर का नाम दिखाई पड़ेगा, उसका IFSC कोड, यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर, यहाँ पे कितना अमाउंट आप पे करें वो दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे दिया गया है नरेशन फॉर पासबुक, यानी कि आप पासबुक में क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे आपको टाइप कर देनी है इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको टाइप कर देनी है। टाइप करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है डू यू वांट टू ऐड द डिडक्शन डिटेल, यहाँ पे आपको नो दिया गया तो आपको नो पे ही सिलेक्ट करने देना है। उसके बाद फिर आपको तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कैंसल, कंफर्म एंड बैक, यदि कुछ त्रुटि हो गई तो आप यह कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो आपको फिर कंफर्म पे क्लिक कर देनी है इस तरह से। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, एक नई स्क्रीन आपके सामने दिखाई पड़ जाती है इस तरह से। तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पे देखिए आपको पूरा डिटेल आपको फिर से दिखाई पड़ेगा एक बार, इस पर आपको चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद देखिए नीचे में आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है पेड डिटेल हैज बीन कंफर्म सक्सेसफुली, फिर आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई पड़ता है पेड डिटेल, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है पेड डिटेल हैज बीन कंफर्म सक्सेसफुली, उसके बाद तीन ऑप्शन दिखाई पड़ता है पेड डिटेल सबमिट फॉर अप्रूवल और बैक, तो आपको सबमिट फॉर अप्रूवल पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप सबमिट फॉर अप्रूवल पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन आती है सक्सेसफुली सेव्ड फॉर सबमिटेड, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कैंसल ट्रांजेक्शन एंड बैक ट्रांजेक्शन। तो इस प्रकार से आपने क्या गया कि सिंगल जो वेंडर से है किसी एक वेंडर को आप व्यक्तिगत पेमेंट करना चाह रहे हैं एक बिल के माध्यम से, तो इस प्रकार से आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो जाता है। अब उसके बाद क्या करनी है आपको चेकर की आईडी से लॉग इन करके आपको फिर उसको अप्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका PPA जनरेट हो पाएगा। यहाँ पर यदि आपको लगता है कि कुछ त्रुटि हो गई है कि या फिर आपने अधिक अमाउंट ट्रांसफर कर दिया या फिर किसी और मद का ब्याज आपने कर दिया जो आप उसको उस तो वेंडर का भुगतान करना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे कैंसल ट्रांजेक्शन दिया गया उसको क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी अमाउंट जो है डिडक्ट हो चुकी है पुनः आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। तो इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ने के बाद यहाँ से आपको लॉग आउट हो जानी है क्योंकि हमारा बिल ओके हो चुका है। अब यहाँ से लॉग आउट होने के बाद पुनः आपको लॉग इन पेज पे जानी है और वहां से आपको चेकर की आईडी से लॉग इन करनी है। अभी तक हमने क्या किया मेकर की आईडी से लॉग इन किया, चलिए अब हम चेकर की आईडी से लॉग इन कर लेते हैं अप्रूव करने के लिए।
तो ये देखिए हमने चेकर की आईडी से लॉगिन कर लिया। जैसे ही हम चेकर की लॉगिन से आईडी करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ता है। उसके बाद क्या करनी है आपको, लेफ्ट साइड में बहुत से आपको मेन्यू बार दिखाई पड़ते हैं, तो आपको स्क्रॉल करके और थोड़ी सी नीचे आ जानी है और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा एक्सपेंडिचर में जानी है। एक्सपेंडिचर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पुनः आपको तीन सब मेन्यू दिखाई पड़ते हैं, मैनेज, अप्रूव और मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर। यदि आप सिंगल वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन अप्रूव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है स्कीम आपको पहले से सिलेक्टेड है। यहाँ से आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेनी है ड्रॉप डाउन से। जैसे ही आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्कीम दिखाई पड़ जाती है। उसके बाद फिर आपको सर्च पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरह से स्क्रीन आ चुकी है और जो मेकर के द्वारा जो भी बिल बनाया गया है वो आपको इस तरह से दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पे देखिए लेटर या फिर ऑफिस आधार नंबर के नीचे में आपको ये क्रमांक दिखाई पड़ता है, जो SMC का आपने जो क्रमांक दिया हुआ है वो आपको दिखाई पड़ेगा। तो उसको उसके ऊपर आपको जैसे ही क्लिक करनी है, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से नई स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पूरा बिल डिटेल दिखाई पड़ जाएगा, किस वेंडर को आप कितना भुगतान कर रहे हैं, किस किस मत का आप भुगतान कर रहे हैं, सब डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाता है। एक बार आपको इसको चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद आपको लगता है कि मेकर के द्वारा जो भी बिल संबंधित वेंडर के लिए क्रिएट किया गया वह बिल्कुल सही है, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जानी है। और यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, अप्रो या फिर रिजेक्ट और बैक। तो आपको अप्रो पे क्लिक करनी है। जैसे ही अप्रो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। यदि आप बिल को अप्रो करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको रिमार्क पे अप्रो कर देनी है, अप्रो लिख देनी है। इस प्रकार से आपको अप्रूव लिख देनी है और अप्रूव पे क्लिक करनी है। यदि आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रिजेक्ट लिखनी है और रिजेक्ट पे क्लिक करें। चलिए हम बिल को अप्रूव करना चाह रहे हैं तो हमने रिमार्क पे अप्रूव लिख दिया। क्लिक करेंगे तो प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब क्या हो गया, आपका जो एक्सपेंडिचर बिल था जो मेकर के द्वारा सबमिट की अप्रूवल के लिए सबमिट किया गया था, अब क्या हो गया आपके द्वारा सबमिट, आपके द्वारा अप्रूवल कर लिया गया, आपके द्वारा अप्रूव कर लिया गया, यानी कि चेकर द्वारा अप्रूव कर लिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने प्रिंट पेमेंट एडवाइस आ चुका है और यहाँ पर दिया गया एक्सपायरी डेट आप 26 मार्च 2022, यानी कि जिस दिनांक को आप PPA जनरेट, तो जिस दिनांक को आपके द्वारा PPA तैयार किया जाएगा और जैसे ही आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आती है प्रिंट पेमेंट एडवाइस करके, तो उस दिनांक के बाद 10 दिवस तक उक्त जो PPA है उसकी वैलिडिटी होती है। तो उक्त समयावधि के बीच में आपको संबंधित बैंक में जमा कर देनी है ताकि जो राशि है आपके द्वारा जो भुगतान बनाया गया वह संबंधित वेंडर को ट्रांसफर किया सके। उसके बाद क्या करनी है आपको, ये प्रिंट पेमेंट एडवाइस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट पेमेंट एडवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ेगी, कुछ इस तरह से स्क्रीन आपको दिखाई पड़ जाएगी। तो जैसे कि आपके देखिए इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है जिसमें लिखा हुआ है कि PFMS.NIC.IN says PPE is valid up to 10 days from date of approval, i.e. approval date plus 10 days, यानी कि यहाँ पे स्पष्ट बोल दिया गया है कि 10 दिन तक यह वैलिड होगा अप्रूवल डेट से, यानी कि 26 मार्च 2022 तक यह हमारा अप्रूवल है क्योंकि हमने आज 16 मार्च 2022 को यह PPA जनरेट किया है। तो इस प्रकार से आपको उसका ध्यान रखनी है कि जो भी आप PPA तैयार करेंगे वह केवल 10 दिन के लिए वैलिड होगा। उसके बाद फिर क्या करनी है आपको, ओके पे क्लिक कर देनी। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है और यहाँ पर देखिए इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपके सामने इस तरह से बिल ओपन नहीं होगा तो यहाँ पे आपको देख लेनी है कि पॉपअप विंडो आपका ओपन है कि नहीं है और उसको ओपन कर लेनी है। तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। तो चाहे तो आप इसको यहाँ पर जाकर के सेव कर सकते हैं, सेव एज PDF में, या फिर चाहे तो यदि आपके पास प्रिंटर की सुविधा है तो आप तुरंत इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। और यदि प्रिंटर की सुविधा नहीं है तो इसको आप सेव एज PDF करने के बाद इसको बाद में आप प्रिंट करा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमारे सामने स्क्रीन आ चुकी, चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस से आप साथियों आसानी से PPA तैयार कर सकते हैं। तो साथियों आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।